In this video, I'm going to explain SQL joins. Joins क्या होते हैं, SQL and what's the use of it, और ये कैसे काम करते हैं, and what are the different types. SQL joins नाम से पता चल रहा है, join मतलब combine करने वाला है, and joins are going to combine एक दो या दो से ज्यादा tables को combine करना है based on some common field. For example, यहाँ पे मेरे पास एक table है, I have these two tables, AEMP and department. अब जैसे है कि एम्प्लॉयज का डिटेल्स यहाँ पे पड़ी हुई, उनका नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर एक टेबल में पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन दूसरे टेबल में पड़ा हुआ है. नॉर्मली यही होता है, अगर इफ यू वर्क विद डेटाबेसेस तो सारा डेटा एक ही टेबल में तो तुम रखोगे नहीं, बिकॉज रिडंडेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो डेटा को डिफरेंट डिफरेंट टेबल में पड़ा होता है. अब जब कोई क्वेरी लगानी है, हो सकता है जो तुम्हें क्वेरी लगानी है वो एक से ज्यादा टेबल में वर्क करनी हो, तो उस केस में तुम एसक्यूएल जॉइन यूज करोगे. अब एसक्यूएल जॉइन फोर्थ चार तरह के एसक्यूएल जॉइन है, इनर है, लेफ्ट है, राइट एंड पोल है, और लेट्स डिस्क बहुत इजी है. एक एक करके एग्जांपल करते हैं. सबसे पहले इनर जॉइन है. लेट मी पहले तो सिंटेक्स बता दूं कि इसका सिंटेक्स कैसे काम करेगा. तो सिलेक्ट क्वेरी है, लेट्स से मुझे डेटा चाहिए, मुझे इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करना है, दी टू ईएमपी एंड डिपार्टमेंट टेबल. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम ईएमपी, जॉइन दैट इज, यहां उसके बाद जॉइन लिखना है, मतलब आई एम गोइंग टू जॉइन दिस ईएमपी टेबल विद विच टेबल, डिपार्टमेंट, और ऑन तुम्हें एक क्राइटेरिया मेंशन करना होता है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे तुम दोनों को कंबाइन कर रहे हो, दो टेबल्स को कंबाइन कर रहे हो. मैं कंबाइन कर रही हूँ ऑन द बेसिस कि डिपार्टमेंट नंबर, जहां पे दोनों का डिपार्टमेंट नंबर सेम है. तो कंडीशन क्या है, ईएमपी डॉट, डॉट ऑपरेटर मतलब ईएमपी टेबल में, इस टेबल में, फर्स्ट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू दूसरे टेबल में डिपार्टमेंट, That is the name of the table. Dot. उसके बाद कॉलम का नाम. इसका मतलब है, अब इसको थोड़ा सही से let me show you. This. Okay. इसको दोबारा देखते हैं कैसे है. Select star from table name. ये हम first करते थे. Easy select query. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ. EMP first table join second table. This is the syntax. एक table first table. दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन होगा ऑन, ये कीवर्ड है, किस कंडीशन पे ज्वाइन होगा, उसके बाद तुम कंडीशन मेंशन करोगे. और जैसे कि मैंने बोला चार तरह के हैं, तो सबसे पहले एग्जांपल है इनर ज्वाइन की. फाइन, इनर ज्वाइन लिख दिया मैंने पहले एग्जांपल में, एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. जब एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे C1 एंड C2 का डेटा आ रहा है. C1 का डिपार्टमेंट नंबर, ये दोनों वही टेबल मुझे शो हुआ, वही डेटा शो हुआ जहाँ पे दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर सेम है. अब इनर जॉइन होता क्या है, इनर जॉइन इज बेसिकली इट्स गोइंग टू रिटर्न ऑल द रोज विच मैच इन बोथ द टेबल्स. अगर वेन डायग्राम के थ्रू शो करूँ, दो टेबल्स हैं, दोनों में जो कॉमन डेटा होगा वो शो हो जाएगा. सिंपल टर्म्स, एक टेबल है, दूसरा टेबल है, दोनों में भी जो कॉमन टर्म होगी वो शो हो जाएगी, और वही हो एग्जैक्टली यहाँ पे इनर जॉइन में. और इनर जॉइन को तुम सिंपली जॉइन भी बोलते हो. सिंपली अगर तुम जॉइन भी लिखोगे तो वो इनर जॉइन ही होगा. फाइन, तो इनर जॉइन एंड जॉइन सिंपली अगर तुम जॉइन लिखो या इनर जॉइन लिखो, वो दोनों सेम है. अब ये तो होगी फर्स्ट एग्जाम्पल. अब है लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन. मैं इंटायर क्वेरी को कॉपी कर रही हूँ, बस इस जॉइन के साथ लेफ्ट लिख रही हूँ. लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, इट्स गोइंग टू, लेफ्ट जॉइन मतलब लेफ्ट डेटा पूरा का पूरा आ जाएगा, लेफ्ट टेबल का डेटा, और सेकेंड टेबल का डेटा जितना मैच होगा वो आएगा, अगर जो भी अनमैच्ड होगा वो नल होगा. इट्स गोइंग टू रिटर्न ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रो फ्रॉम द राइट टेबल. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक आ जाता है कि लेफ्ट टेबल कौन सा है, राइट टेबल कौन सा है, कैसे पता चलेगा. सी, क्वेरी में जो पहला टेबल होगा मेंशन तुमने किया होगा जॉइन से पहले, वो तुम्हारा लेफ्ट होता है, और जॉइन के बाद वाला जो टेबल होगा वो राइट होगा. सिंपली तो इसका मतलब है ईएमपी लेफ्ट टेबल हो गया, इसका डेटा सारा का सारा आएगा, और जॉइन टेबल का डिपार्टमेंट सेकंड राइट टेबल हो गया, इसका सिर्फ वही डेटा आएगा जो मैचिंग होगा. लेट मी एग्जीक्यूट दिस. सी, लेफ्ट टेबल में कितनी रोज थी, दो, चार, एक, पांच. यहाँ पे कितनी रोज है, एक, दो, तीन, चार, पांच.
और राइट टेबल में यहाँ पे ये तुम्हारा इतना यहाँ से लेके ईएमसी से लेके डिपार्टमेंट नंबर तक ये तुम्हारा लेफ्ट टेबल हो गया, यहाँ से डिपार्टमेंट नंबर से लेके लोकेशन तक सेकेंड टेबल हो गया। और सेकेंड टेबल में ऐसी तुम्हें सिर्फ वही डेटा वैल्यूज आएंगी जो मैच कर रही हैं, और बाकी जो नहीं मैच कर रही वो सारी नल से फिल हो जाएगी। अब अगर लेफ्ट टेबल लेफ्ट ज्वाइन ये है तो सिंपली राइट ज्वाइन क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। राइट ज्वाइन मतलब यहाँ पे मैं राइट लिखती हूँ, इसका मतलब ये सेकेंड वाला टेबल जो राइट वाला टेबल है उसका सारा डेटा आ जाएगा, और जो लेफ्ट वाला टेबल है उसके सिर्फ मैचिंग वैल्यूज आएगी, बाकी नल आ जाएगी। सी अब सेकेंड टेबल सारा आ गया और लेफ्ट वाले की कौन सी सिर्फ मैचिंग वैल्यू आ गई। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट एंड राइट जॉइन। अब उसके बाद बचता है फुल जॉइन। फुल जॉइन क्या होता है, इसने दोनों के दोनों टेबल इट विल पिक सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स, चाहे कंडीशन मैच हो या ना हो दोनों टेबल्स का डेटा आ जाएगा। फाइन, तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड गोइंग टू कॉपी इट, एंड राइट जॉइन की जगह पे क्या लिखेंगे, आउटर फुल जॉइन, पूरा का पूरा जॉइन करना है, फुल जॉइन या एग्जीक्यूट एंड लेट्स गो एंड चेक इट। EMP department number. Oh, sorry, my mistake. It is full outer joint. मैंने गलत लिख दिया. My mistake. It's okay. It happens. Okay, it's full outer joint. Execute. तो ये रहा. पहले left का सारा आया. ये पहला left वाला था. First table. उसके साथ उसके सामने आ गई matching वाली. पहली पांच row complete. उसके बाद next वाली row में सेकेंड टेबल का सारा डेटा आ गया, और उसकी मैचिंग वाली जो भी थी अगर थी तो वो फिल हो गई है, अगर नहीं है तो वो नल से फिल हो गई है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि जॉइन कैसे काम करता है। लेट्स से एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं दैट हाउ द जॉइंस वर्क। एक क्वेश्चन है दैट मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, और हाँ एक चीज और, ये डोंट थिंक दैट कि यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर ही आ सकता है, तुम कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जैसी मर्जी कोई भी कंडीशन बना सकते हो। तो उसकी भी एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि मुझे डेटा चाहिए था सारे टेबल्स का, लेकिन मुझे C1 का उसमें से C1 का नहीं चाहिए डेटा। फाइन, तो एंड कंडीशन लगा दो, एंड दोनों टेबल को मैं ज्वाइन कर रही हूँ लेकिन मुझे C1 का नहीं चाहिए, तो EMP डॉट, क्योंकि कहा गया C1 का नहीं चाहिए, इस एम्प्लॉय का डेटा नहीं चाहिए मुझे, तो उसका डिपार्टमेंट नंबर मेंशन कर दो, सैलरी मेंशन कर दो, नेमिंग जो भी तुम्हारी तुमने कंडीशन लगानी है वो मेंशन कर दो। तो मुझे इसका जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर C1 है उसके अलावा सारे रिजल्ट शो हो जाए। ये होता है ना नॉट इक्वल्स टू, मतलब जो C1 नहीं है और बाकी सारे जिनकी मैच हो रही है वो शो हो जाए। तो एग्जीक्यूट, C1 इनवैलिड आइडेंटिफायर क्योंकि मैंने उसकी डेटा टाइप वेयर किया थी, तो मैंने कोट्स लिखना भूल गई, एंड एग्जीक्यूट। इफ आई, अब क्या हुआ, दोनों टेबल ज्वाइन हो गए, लेकिन क्योंकि C1 दोनों टेबल में था लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि C1 का नहीं डेटा चाहिए, तो C1 का डेटा नहीं आया। तो तुम कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, दैट्स योर विश। ओके, अब एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है कि मुझे कृष्णा का डिपार्टमेंट फाइंड करना है। कृष्णा डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज का डेटा है एक टेबल में और डिपार्टमेंट नेम दूसरे टेबल में पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है और मुझे उसका डिपार्टमेंट नेम फाइंड करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको कैसे करना है, सिलेक्ट, पहले तो मैं स्टार करूंगी कि सारा डेटा शो हो जाए, उसके बाद पर्टिकुलर देख लेंगे। स्टार फ्रॉम EMP, दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, इनर ज्वाइन लगा लो, ठीक है, इनर ज्वाइन हो गया डिपार्टमेंट। अब दोनों टेबल ज्वाइन हो गए, ज्वाइन मतलब सिंपल इनर ज्वाइन, दोनों का जो मैच्ड होगा सिर्फ वही शो होगा। ओके, अब कंडीशन क्या है, ऑन लिखा, कंडीशन ये है कि मुझे
इसका कृष्णा का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। पहले तो मुझे एक सब क्वेरी लगानी पड़ेगी। सब क्वेरी क्या लगाऊंगी? सब क्वेरी लगानी आती है ना। पहले उससे पहले सिंपल क्वेरी लिखते हैं कि मुझे कृष्णा का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम इक्वल्स टू कृष्णा। ये एक सिंपल क्वेरी हो गई। इसको अभी कट कर देती हूँ। तो एग्जीक्यूट, इससे हमें पता चल जाएगा कि कृष्णा का डिपार्टमेंट नंबर क्या है। कृष्णा का डिपार्टमेंट नंबर आ गया C2। अब इसको ज्वाइन करेंगे, इस रिजल्ट को ज्वाइन करेंगे दूसरे टेबल के साथ, ताकि हमें उसका डिपार्टमेंट का नाम भी पता चल जाए। अभी पेस्ट किया पुराने वाली क्वेरी को। लेट मी कमेंट दिस। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट किया स्टार फ्रॉम, फर्स्ट टेबल को ज्वाइन किया दूसरे टेबल के साथ। कंडीशन क्या लगाई कि दूसरे टेबल का डिपार्टमेंट नंबर वो होना चाहिए जो ऑलरेडी हमें, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। दैट मींस डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू, ये हो गया। पहले तो ये क्वेरी सब क्वेरी चलेगी, ये डिपार्टमेंट नंबर दे देगी, दैट इज C2। C2 इसको पास होगा डिपार्टमेंट नंबर। कंडीशन क्या लगी हमारी, अगर इसको मैं अलग सिंपल तरीके से कंडीशन बोलूं तो ये होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन जिसका डिपार्टमेंट नंबर C2 होगा। फाइन, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर, what's wrong with it? Oh, spellings of the table. So, mere table ka naam DEPARTMNT tha. Okay, execute and we are. Ab kya hua? C2. ये तो मुझे पता चल रहा है कि कृष्णा का कृष्णा का डिपार्टमेंट नंबर क्या आ गया, रिसर्च। लेकिन यहाँ पे सब, क्योंकि हमने ज्वाइन लगाया तो उसने C2, इस क्वेरी का रिजल्ट क्या आ रहा था, C2 रिसर्च एंड ऑल, और उस बेसिस पर उसने ज्वाइनिंग कर दी और सारे के सारे यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू सेम आ रही है। अब मुझे सारे के सारे वैल्यू सेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही चाहिए जहाँ पे सिर्फ मैच हो रहा है, बाकी को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं एंड कंडीशन लगा दूंगी, एंड डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। फाइन, तो एग्जीक्यूट किया, तो मतलब वो डुप्लीकेट जो सेम होगा सिर्फ वही शो होगा, बाकी इलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल थी जैसे जॉइन की। तो वैसे ही तुम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो कि अगर मुझे फाइंड करना है कि कौन से एम्प्लॉयज, अब ये दो टेबल्स हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, कौन से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब दोनों डेटा अलग अलग पड़ा हुआ है, उन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। और ये देखो कि अनदर क्वेश्चन कुड बी लाइक कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जो मुंबई में काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन। मतलब तुम अपने तरीके से कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो और कितने भी एग्जांपल्स कर सकते हो। बेसिकली ज्वाइन क्या होने वाला है, देयर दैट इज गोइंग टू ज्वाइन टू टेबल्स, और दिस इज ऑल जॉइंट्स वर्क, एंड आई होप इट इज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड रिगार्डिंग एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड इफ यू वॉन्ट टू, yeah, you can just write it down in the comments, and your suggestions are always welcome. And thanks for watching, and have a nice day. Bye.